हेलो एवरीवन, वेलकम टू राउंड टेबल स्टडी। तो देखो जी, स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 9.3 का। बाकी का जो बचा हुआ जो भी रिमेनिंग क्वेश्चन है उसको हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है। जो कि हम लोग पढ़ते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन क्लास ट्वेल्थ का मैथमेटिक्स। देखो, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। आई होप आपने ये क्वेश्चन नंबर 6 को लगाने की कोशिश करी होगी। देखो क्या बोल रहा है कि फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फैमिली ऑफ सर्कल टचिंग द वाई एक्सिस एट द ओरिजिन। सिंपल इस टाइप का देखो हम लोगों ने एक एग्जांपल्स में लगाया था, याद है। ये कह रहा है कि जो हमारा जो अब देखो अब कहने का क्या सीन है ना कि वहां पर हमारी जो है एक्स एक्सिस को टच कर रही थी, है ना। और यहां पर ये किसको टच कर रही है, यहां पर ये जो है वाई एक्सिस को टच कर रही है, कहां पर, ओरिजिन पर। तो सबसे पहले क्या करो ना, आप एक अपना फिगर बनाओ, ठीक है। ये आपका है नॉर्मल केस में क्या होता है, सर्कल हमारी कहीं भी होती है तो हम उस केस में कहते हैं सर इस सर्कल का जो सेंटर होता है वो होता है एच कॉमा के। क्या होता है, ये सब चीज मैंने आपको एग्जांपल्स में मैंने एक्सप्लेन किया, एच कॉमा की। बट कह रहा है कि नहीं, ऐसा सर्कल नहीं है, सर्कल कुछ ऐसा बनाना है कि जो वाई एक्सिस को टच कर रही हो। किसको टच कर रही हो सर, वाई एक्सिस को, और कहां, ओरिजिन पर। तो ये ओरिजिन है, ये वाई एक्सिस है, देखो ये वाई एक्सिस है और ये इसकी ओरिजिन है। ठीक है। अब देखो जो सर्कल है ना सर, वो कहां टच कर रही है, वो इस वाई एक्सिस को टच कर रही है ओरिजिन पर। तो कुछ ऐसा बना, समझ में आ गई बात, ठीक है। टचिंग द वाई एक्सिस एट ओरिजिन, तो ये अब बात समझो। तो सर्कल का सेंटर होता क्या है, एच कॉमा की होता है ना, सर्कल का जो सेंटर होता है वो क्या होता है, एच कॉमा की होता है। अब देखो, यानी कि आपने एक्स में आपने एक डिस्टेंस तो चली एच, या फिर एच ले लो, एच इज इक्वल टू समथिंग कुछ भी ले लो, ठीक है। एज वी नो कि हमारा जो, ऐसे बताना चाहो तो आप ये बता सकते हो कि सिंस हमारा जो इक्वेशन ऑफ जो सर्कल होता है, इक्वेशन ऑफ सर्कल वो क्या होता है भाई, एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। जहां पर आप ये बता सकते हो कि एच कॉमा की हमारा क्या होता है, सेंटर होता है, कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर एंड ए आपकी देखो क्या होती है, रेडियस, क्या जैसे रेडियस होती है। बट इस केस में आपने y में कोई डिस्टेंस ट्रेवल नहीं किया, केवल x में ही डिस्टेंस ट्रेवल किया, समझना, केवल x में ही डिस्टेंस किया, ट्रेवल किया। तो लेट कर, तो यहां पर हियर यहां पे आप ये बता दो, हियर h इज इक्वल टू, लेट कर लेते हैं a, है ना, लेट कर लेते हैं h इज इक्वल टू क्या मान लेते हैं a, एंड और हमें ये भी पता है कि a हमारी क्या है, रेडियस है। देखो थोड़ा सा समझना, कंफ्यूज नहीं हो जाना, मुझे बात समझो मेरी। मैंने कहा सर यहां से यहां तक जो है आपका, मान लो एच एच है और एच इक्वल मैंने क्या मान लिया, ए मान लिया, और जो आपकी एच होगी भाई आपकी ए भी होगी। बोलो भाई, रेडियस आप यहीं से यहीं तक तोलोगे तो जो आपकी एच होगी भाई आपकी क्या होगी, ए भी होगी, समझ गया। एंड के इज इक्वल टू जीरो, सो सेंटर ऑफ सर्कल, इस केस में सेंटर ऑफ सर्कल कितना हो जाएगा, ए कॉमा जीरो। ये बताओ, ये बात समझ में आ गई, रख दिया जाए अपने इस वाले मेन वाली इक्वेशन में। सो इक्वेशन देखो हमारा क्या हो जाएगा, एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। बोल रही थी बात समझ में आ गई, इसको थोड़ा सॉल्व कर लिया जाए, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस टू ए एक्स प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। ए स्क्वायर से ये स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, क्या बचा आपके पास, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2ax is equal to 0, ये मान लो बच्चे आप नहीं, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। बस कहानी आगे इसकी बात आप समझ गए, क्या करना है हमने, इसका डिफरेंशिएशन करना है। कितनी बार डिफरेंशिएशन करना है सर, एक बार करना है। क्यों सर एक बार करना है, क्योंकि इसमें एक ही आर्बिट्री कांस्टेंट है, इसलिए जो है हम लोग इसका जो है एक बार डिफरेंशिएशन करेंगे। ये बात बताओ आपको समझ में आ गई, ठीक है। हम इसका क्या कर देते हैं, एक बार इसका हम एक बार जो है डिफरेंशिएशन कर देते हैं। क्या लिख दिया जाए, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। देखो डी डी एक्स ऑफ, एक बार दिखा दो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस टू ए एक्स इज इक्वल टू जीरो, तो जीरो ही हो जाएगा। चलो एक्स स्क्वायर का करोगे आपको क्या मिलेगा, टू एक्स प्लस, वाई स्क्वायर का करोगे क्या मिलेगा, टू वाई इंटू डी वाई डी एक्स, और माइनस टू ए आपका बाहर हो जाएगा, एक्स का करोगे तो आपको वन मिलेगा इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। ये बात समझ में आई, अब देखो तो फाइनली जो है अपने का सर 2x, ऐसा करते हैं यहां से 2 को कॉमन ले लेते हैं,
क्या हो गया, x प्लस वाई डी बाई डी एक्स माइनस ए इज इक्वल टू जीरो। सो टू को इधर भेज दिया, x प्लस वाई डी बाई डी एक्स माइनस ए इज इक्वल टू जीरो। अब सर हमारा ये इक्वेशन तो बन जाता, डिफरेंशियल इक्वेशन तो बन जाता, लेकिन प्रॉब्लम इसमें क्या है ना कि यहाँ पर इसमें ए है जो कि ये नहीं होना चाहिए था, दिक्कत कर गई, ये नहीं होना चाहिए था। अब ए की वैल्यू सर हमें यहाँ से हटानी है, हटानी है, हटानी है, हटानी है। देखो ए की वैल्यू देखो, हम लोग कैसे हटा सकते हैं, ए की वैल्यू को हटाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको इक्वेशन फर्स्ट का हेल्प लेना पड़ेगा, ठीक है, बस समझ रहे हो ना, ये ले लो, यहाँ से ले लो, तो यहाँ से उसको ओपन करोगे तो ये आ जाएगा। तो आपने कहा सर फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, क्या कर दो, टू एक्स को इधर भेज देते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू टू ए एक्स, ए को ही छोड़ दिया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन टू एक्स ये आ जाएगा, ए इज इक्वल टू, अब इस वैल्यू को क्या कर देते हैं, इस वाली इक्वेशन में पुट कर देते हैं, इक्वेशन नंबर सेकेंड में इसमें, है ना। चलो यहाँ पर आ जाओ, तो क्या कर दिया सर, पुट वैल्यू ऑफ ए इन इक्वेशन सेकेंड। तो इक्वेशन सेकेंड देखो आपके पास क्या दिख रहा है, दिख रहा है आपके पास इक्वेशन सेकेंड क्या है, एक्स प्लस वाई, तो एक्स की जगह एक्स रख दिया जाए, प्लस वाई की जगह वाई छोड़ दिया जाए, डी वाई डी एक्स, और फिर क्या है माइनस का ए, ओके माइनस, देखो ए, ए की वैल्यू क्या रखनी है आपको, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन टू एक्स, चलो रख देते हैं, है ना, ध्यान से रखना है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन टू एक्स, सर ध्यान से रखना, और सर आपको पता चले गलत कर दो, हैं देखो ऐसा होता है सर, ऐसा होता है, बिल्कुल होता है, हम का कह रहे हैं नहीं होता है, बिल्कुल होता है, ठीक है। देखो सो ऐसा करते हैं, देखो इसके अपॉन में एक्स है, तो इन सभी के अपॉन में क्या कर देते हैं, एक्स कर देते हैं, तो एक्स का ऊपर नीचे क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, अच्छा टू एक्स का मल्टीप्लाई कर देते, तो टू एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स वाई डी वाई डी एक्स, बात समझ रहे हो, ठीक है, माइनस ये ऑलरेडी है तो इसको ऐसे रहना, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और अपॉन में टू एक्स इज इक्वल टू जीरो, इस टू एक्स को इधर भेज दिया, जीरो हो गया, तो ये आपके पास बस गया, ब्रैकेट ओपन करते हैं, टू एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स वाई डी वाई डी एक्स और माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो। चलो ये देखो, पहले इस वाले को लिख लेते हैं, टू एक्स वाई डी वाई डी एक्स और प्लस, अब ये देखो बात समझो, टू एक्स स्क्वायर कितना बचेगा, प्लस का एक्स स्क्वायर और माइनस का वाई स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो, दिस इज द रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आगे बात समझ में, चेक कर लो, चेक कर लिया जाए, चलो देखो चेक कर लिया जाए, ओके ओके ठीक ठीक है, अभी चेक कर लो, है ना। क्वेश्चन नंबर सिक्स समझ में आया, ऐसे ही करना है, ये ध्यान देना है कि सर्कल है भाई, सर्कल है ना, स्टैंडर्ड इक्वेशन आप जानते हो सर्कल का, तो जनरल जो भी जनरल इक्वेशन होता है सर्कल का, उसके बाद फिर हम स्टैंडर्ड, हम ये हमारा स्टैंडर्ड इक्वेशन होता है, तो भाई जो चीज भाई जिससे एक्सिस से टच है, तो बाकी ओरिजिन से अगर टच है तो भाई उस वाले एक्सिस में तो चला ही नहीं, तो बाकी एक्सिस में जीरो हो जाएगा, जो भी जिससे भी टच होगा, बात ये बात ध्यान से समझना, ठीक है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेवन की, ठीक है, कर लो इतने जल्दी नोट डाउन। देखो जी, ये आपका क्वेश्चन नंबर सेवन क्या करें कि फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फैमिली ऑफ पैराबोला हैविंग वर्टेक्स एट ओरिजिन, बस समझो वर्टेक्स कहाँ है, ओरिजिन पर है। अब इंपॉर्टेंट चीज है कि पैराबोला वो किसके अलोंग है, तो यही देखना है, एंड कह रहा है कि एंड एक्सिस अलोंग पॉजिटिव वाई एक्सिस, अब इसके देखो पॉजिटिव वाई एक्सिस की बात हो रही है, तो पॉजिटिव वाई एक्सिस कहने का सीन क्या है, ये आपकी पॉजिटिव वाई एक्सिस है, यानी कि पैराबोला आपका कुछ ऐसा है, समझ आया, और आपको पता है कि इस टाइप के पैराबोला का जो इक्वेशन होता है वो क्या होता है, क्या होता है बता दो जल्दी से, चार होते थे, तो ये आपके y वाले में है ना, तो यानी कि x स्क्वायर इज इक्वल टू फोर ए वाई, ये करेंगे, ये बात तो क्लियर हुई, x स्क्वायर इज इक्वल टू फोर ए वाई। चलो तो आपने कहा कि सिंस हमारा जो पैराबोला हमारा जो मिला वो क्या मिला, x स्क्वायर इज इक्वल टू फोर ए वाई मिला, कितने आपको आर्बिट्री कॉन्स्टेंट नजर आ रहे हैं, एक, आप इसका क्या कर दो, एक बार डिफ्रेंशिएट कर दो, क्या लिख दिया जाए, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो टू एक्स इज इक्वल टू फोर ए
डी वाई डी एक्स मिलेगा। वाई डैश भी कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो वाई डैश। वाई डैश देखो जब बहुत ज्यादा जब बड़े बड़े जब इक्वेशन आ जाते हैं ना, तो फिर अपनी सिंपलिसिटी के लिए हम वाई डैश कर लेते। फिलहाल यहाँ पर ऐसा कोई टेंशन है नहीं। देखो अब आपको करना क्या है कि आपका ये डिफरेंशियल इक्वेशन तो बन गया, लेकिन इसमें एक आपका ये कांस्टेंट है ए, आपको यहाँ से ए हटाना, और एक ही बार आप इसका डिफरेंशिएशन भी करोगे। तो मान लो आपका ये इक्वेशन नंबर सेकेंड है, हम बात करें फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से, ठीक है। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू देखो कितना है, फोर ए वाई है। क्या कर दो आप इस फोर ए को यहीं छोड़ दो, देखो फोर ए ना, ये पूरा का पूरा फोर ए यहीं छोड़ दो, ठीक है ना। फोर ए की वैल्यू निकाल लेते हैं, एक्स स्क्वायर अपॉन वाई, कोई दिक्कत नहीं, आप चाहो तो एक ही वैल्यू निकाल सकते हो, बस आपको फिर यहाँ पर फोर को छोड़ना पड़ेगा, फिर आपको केवल एक ही वैल्यू रखनी पड़ेगी, समझ रहे हो, ये सिस्टम है। पुट इन इक्वेशन सेकेंड, रख दिया जाए टू एक्स इज इक्वल टू फोर ए की देखो वैल्यू कितनी रख दी जाए, एक्स स्क्वायर अपॉन वाई इन टू डी वाई डी एक्स। सो देखो कितना आ जाएगा, ये आपके पास हो जाएगा डी वाई डी एक्स, इसको इधर छोड़ देते हैं डी वाई डी एक्स। अच्छा एक मिनट, ये देखो ये एक एक्स एक, ये एक एक्स कैंसिल आउट हो गया, क्या बचा आपके पास, एक्स अपॉन वाई डी वाई डी एक्स इज इक्वल टू टू, ठीक है। सो इस वाई को इधर भेज दो, एक्स डी वाई डी एक्स इज इक्वल टू टू वाई, वाई को चाहो तो इधर ले आओ, एक्स डी वाई डी एक्स माइनस का 2y is equal to 0, this is the required differential equation। आ रही बात समझ में, बहुत ज्यादा ये बहुत बड़ी चीज तो नहीं है, कितना आसान सा ये चीज है, समझ रहे हो। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8, इसको कर लो जल्दी से, आप नोट डाउन कर लो, ठीक है, समझ में आ रहा है ना क्या ही करना है सर इसमें, मजेदार चीज है नहीं। देखो जी इस क्वेश्चन को आप पढ़ो, और सबसे पहले मेरे को आप इलिप्स का इक्वेशन बना करके दिखा दो। अगर आपने इलिप्स का अगर आपने इक्वेशन बना दिया तो फिर आपको करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, आप इसको सॉल्व कर सकते हो, आप जो है डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म कर सकते हो। सबसे पहले आप जो है मेरे को सिंपल सा जो है मेरा कहना है ना ये आपसे कि आप मेरे को इस इलिप्स का इक्वेशन बना करके दिखा दो कि क्या बनाओगे। बना लिया, चलो देखो चेक करो कैसे बनाया आपने। कह रहा है कि फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फैमिली ऑफ द एलिप्स, इलिप्स है भाई, ठीक है। हैविंग फोकाई ऑन द वाई एक्सिस, ये बात अगर जिन बच्चों ने ध्यान नहीं दिया होगा ना तो उनका पक्का है कि गलत हो गया होगा। कह रहा है कि वाई एक्सिस पर है, तो वाई एक्सिस का मतलब समझ रहे हो, आपकी जो मेजर एक्सिस होगी वो वाई एक्सिस पर होगी। तो इस केस में याद आया, इस केस में याद आया क्या कि आपका जो इक्वेशन हो जाएगा, इक्वेशन ऑफ एलिप्स हैविंग फोकाई ऑन वाई एक्सिस एंड द सेंटर एट ओरिजिन इज, क्या हो जाएगा आपका, एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इज इक्वल टू वन। कितने बच्चों ने ये सही बनाया है, जिन बच्चों ने ये अगर सही बनाया तो फिर आप इसका डिफरेंशिएशन भी आप सही तरीके से कर लोगे, नहीं तो फिर तब यही गलत है, तो फिर डिफरेंशिएशन करने का कोई मतलब ही नहीं, मतलब लगे रहो फिर क्या मतलब है, कुछ नहीं मतलब है। ये ध्यान रखना है ना, मैंने आपको डिस्कस किया है ना, ये सब सारी चीजें मैंने डिस्कस करी है किसी चैप्टर में, ठीक है, बहुत अच्छे से डिस्कस किया है कि इलिप्स का क्या है, पैराबोला का क्या कॉन्सेप्ट है, सारी चीज मैंने डिस्कस कर दी है, ठीक है, तभी तो हम ये पढ़ रहे हैं। ओके, तो इस केस में आपका जो है पैराबोला सॉरी इलिप्स का इक्वेशन जो है वो ये बन गया। अब आप इसका क्या करो, इसका डिफरेंशिएशन करो। चलो दूसरा माइलस्टोन जो है, आप इसका जो है मेरे को एक बार जो है डिफरेंशिएशन कर दिया, दूसरा माइलस्टोन क्या है, आप इसको एक बार डिफरेंशिएट करो। ये मान लेते हैं सर हमारे पास इक्वेशन में फर्स्ट है, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। चलो पहला माइलस्टोन आपने कंप्लीट किया, अच्छी बात है, नहीं किया तो आप इसको इंप्रूव करो, ठीक है। चलो दूसरा मैं सुनो आपको दे रहे हैं कि आप इसको जो है डिफरेंशिएट करके दिखाओ मेरे को, तो देखो कितना हो जाएगा। ओके, तो वन अपॉन बी स्क्वायर हो जाएगा बाहर, डी डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन ए स्क्वायर हो जाएगा बाहर, डी डी एक्स ऑफ वाई स्क्वायर इज इक्वल टू डी डी एक्स ऑफ वन, वन अपॉन बी स्क्वायर एज इट इज रहेगा इन टू टू एक्स प्लस वन अपॉन ए स्क्वायर एज इट इज रहेगा टू वाई इन टू डी वाई डी एक्स, समझ में आई, इज इक्वल टू जीरो। इसको थोड़ा सा सुटेबल ऑर्डर में लिख लेते हैं, टू एक्स अपॉन बी स्क्वायर प्लस टू वाई अपॉन ए स्क्वायर इन टू डी वाई डी एक्स इज इक्वल टू जीरो। ये बना आपके पास इक्वेशन नंबर सेकेंड। बताओ इतनी बात आपको समझ में आई, ठीक है। अब बेसिकली यहाँ पर दो आर्बिट्री कॉन्स्टेंट है ए और बी है, तो आपको इसका दो बार जो है डिफ्रेंशिएशन करना पड़ेगा, तो क्या लिखेंगे, अगेन डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स।
अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। चलो भाई फिर से रिस्पेक्ट में इसके हम क्या करते हैं, एक्स के रिस्पेक्ट में इसका हम डिफरेंशिएशन करते हैं। देखो सेम वही चीज भाई, वन अपॉन बी स्क्वायर फिर से आपका बाहर हो जाएगा, वन अपॉन बी स्क्वायर टू एक्स का करोगे तो आपको क्या मिलेगा, टू मिलेगा प्लस। अब देखो यहाँ पे ध्यान देना, ये यहाँ से आपका टू अपॉन ए स्क्वायर हो गया बाहर, बस समझो टू अपॉन ए स्क्वायर क्या हो गया, बाहर हो गया। क्या बचा, ये आपके पास बचा वाई इंटू डी वाई डी एक्स, समझो वाई इंटू डी वाई डी एक्स यानी कि आपका फर्स्ट है या आपका सेकेंड है। क्लियर हुआ, ये बात समझ में आई। तो करते हैं इसका फर्स्ट इंटू सेकेंड का डिफरेंशिएशन, तो सेकेंड सेकेंड आपका क्या डी वाई डी एक्स है, तो डी वाई डी एक्स का आप डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या मिलेगा, डी टू वाई डी एक्स टू। और ये बात समझ में आई क्या, डी डी एक्स ऑफ डी वाई डी एक्स दैट मीन्स डी टू वाई डी एक्स टू प्लस सेकेंड यानी कि डी वाई डी एक्स इंटू फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, फर्स्ट आपके पास कितना है वाई, तो वाई का करोगे तो फिर से क्या मिलेगा डी वाई डी एक्स। बोलो ये बात समझ में आई, इज इक्वल टू जीरो। इसको थोड़ा सा हम लोग सुटेबल ऑर्डर में लिख लेते हैं, कैसे, टू अपॉन बी स्क्वायर प्लस टू अपॉन ए स्क्वायर और वाई वाई डी टू वाई डी एक्स टू प्लस डी वाई डी एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो। बोलो ये बात समझ में आई। देखो अब इसके बाद जैसे मैंने इसका देखो इस टाइप का मैंने देखो एक एग्जांपल भी सॉल्व किया था, तो देखो वहां का तरीका मतलब बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। जैसे हमने वहां पे देखो क्या किया था, हमने वहां से शायद वन अपॉन पी स्क्वायर की और वन अपॉन ए स्क्वायर की हमने जो है वैल्यू समथिंग कुछ इस तरीके से निकाल करके इसमें रखी थी। देखो कोई भी तरीका हो सकता है, मेरी बात समझो। यहां पर देखो हमें सबसे बढ़िया देखो क्या लग रहा है, पता है, ऐसा करो सबसे पहले आप यहां से जो है टू कॉमन ले लो, ठीक है। जब टू जब कॉमन ले लोगे तो कितना बचेगा आपके पास, वन अपॉन बी स्क्वायर और वन अपॉन बी स्क्वायर प्लस इसको क्या हो गया प्लस वन अपॉन ए स्क्वायर और वाई डी टू वाई डी एक्स टू और प्लस डी वाई डी एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो। ये होगा, बोलो टू कॉमन लेकर इधर टू को इधर भेज दिया। अब देखो क्या करो, पता है, यहां से वन अपॉन बी स्क्वायर की वैल्यू निकालो और इसको इधर भेज दो, माइनस का वन अपॉन ए स्क्वायर वाई डी टू वाई डी एक्स टू प्लस डी वाई डी एक्स का होल स्क्वायर। बात समझो, अब ये जो वन अपॉन बी स्क्वायर दिख रहा है ना आपको, देखो आप ये मान लो आपका है इक्वेशन नंबर थर्ड, देखो आपको इक्वेशन सेकेंड में भी क्या दिख रहा है, वन अपॉन बी स्क्वायर दिख रहा है ना, कहीं से भी कोई भी वैल्यू, देखो ये सारे तीनों के तीनों इक्वेशन ही तो है, तीनों के इक्वेशन का यूज करके हमें ए और बी को हटाना है। बात समझो, हमें हमारे पास जो भी आर्बिट्री कॉन्स्टेंट होते हैं ना हमें उनको हटाना होता है। तो हमने क्या किया सर, हम ऐसा करते हैं कि यहाँ पे हमें देखो यहाँ से भी हम चाहें तो जो है यहाँ से हम टू को कॉमन ले लें तो क्या बचेगा आपके पास, एक्स अपॉन बी स्क्वायर, या फिर ऐसे भी कर सकते हो आप कि वन अपॉन बी स्क्वायर इंटू एक्स प्लस, यहाँ से भी आपने टू कॉमन ले लिया, क्या बचा आपके पास, यहाँ पे आपके पास बचा वन अपॉन ए स्क्वायर इंटू वाई डी वाई डी एक्स। बोलो ऐसा बचेगा ना कुछ, इज इक्वल टू जीरो, टू कॉमन लेकर उधर भेज दिया। सेम अब देखो वन अपॉन बी स्क्वायर, वन अपॉन बी स्क्वायर क्या कर दो, इस वन अपॉन देखो अब आपके पास दो ऑप्शन है, या तो यहां से वन अपॉन बी स्क्वायर की वैल्यू निकालो और इसमें पुट कर दो, या तो यहां से वन अपॉन बी स्क्वायर की वैल्यू इसमें पुट कर दो। आ रही बात समझ में, तो हम क्या करने वाले हैं, हम इसको इक्वेशन नंबर मानते हैं सेकेंड और हम इसमें जो है इक्वेशन सेकेंड में वन अपॉन बी स्क्वायर की वैल्यू पुट कर देने वाले हैं, है ना। तो हमने कहा कि पुट इन इक्वेशन सेकेंड वैल्यू, पुट इन इक्वेशन सेकेंड क्या क्या फ्रॉम इक्वेशन थर्ड से, ठीक है। तो वन अपॉन बी स्क्वायर, वन अपॉन बी स्क्वायर की जगह देखो हमें कितना रखना है, हमें रखना है, अच्छा अब उसके पहले क्या है, वन अपॉन बी स्क्वायर की जगह मतलब आप क्या रख दोगे, उसके पहले एक्स भी तो है, तो क्या आ जाएगा, माइनस का एक्स अपॉन ए स्क्वायर, बोलो होगा, इन टू वाई डी टू वाई डी एक्स टू प्लस डी वाई डी एक्स का होल स्क्वायर, ये होगा। ये आपने यहाँ पर इतने आपने जो है यहाँ पर वन अपॉन बी स्क्वायर की वैल्यू आपने रख दी थी और पहले से देखो एक्स भी था और माइनस में था तो इसलिए हमने माइनस लगा दिया। फिर क्या है, प्लस वन अपॉन ए स्क्वायर, देखो प्लस वन अपॉन ए स्क्वायर अपना इक्वेशन सेकंड, देखो प्लस वन अपॉन ए स्क्वायर, तो प्लस वन अपॉन ए स्क्वायर रहने दो इंटू, अच्छा अब देखो क्या है, फिर वाई इंटू डी वाई डी एक्स है, क्या है, वाई इंटू डी वाई डी एक्स है। अब देखो मेरी बात समझो, इन दोनों में से आपको कॉमन क्या दिख रहा है, वन अपॉन ए स्क्वायर कॉमन दिख रहा है, वन अपॉन ए स्क्वायर कॉमन दिख रहा है, ले लो कॉमन, क्या हो जाएगा सर, यहाँ से ऐसा करते हैं कि यहां से हम माइनस का वन अपॉन ए स्क्वायर, माइनस का वन अपॉन ए स्क्वायर सर कॉमन ले लेते हैं, क्या बचेगा देखो एक्स ठीक इंटू वाई डी टू वाई डी एक्स टू और डी टू वाई डी एक्स टू, माइनस के कॉमन हो गया है, प्लस
डी वाई डी एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। और प्लस यहाँ से देखो क्या बचेगा, वाई माइनस 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 अपने कॉमन लिया ना, तो इस फ्रेम से माइनस, यहाँ माइनस बचेगा, माइनस का वाई डी वाई डी एक्स इज इक्वल टू जीरो। इस माइनस वन अपॉन ए स्क्वायर को इधर भेज दिया आपने, ये पूरा का पूरा टर्म हो गया क्या जीरो। इसका आप क्या कर दो, आपस में मल्टीप्लाई कर दो, बात समझ रहे हो ना, ये पूरा इधर टर्म आ गया जीरो हो गया, तो अब इसका इसमें अंदर मल्टीप्लाई कर दो, देखो कितना हो जाएगा आपके पास, ये आपके पास हो जाएगा एक्स वाई इंटू डी टू वाई डी एक्स टू प्लस एक्स इंटू डी वाई डी एक्स का होल स्क्वायर माइनस वाई डी वाई डी एक्स इज इक्वल टू जीरो। ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन हो जाएगा। चेक कर लो, चेक कर लिया जाए। ओके, एक्स वाई डी टू वाई डी एक्स टू प्लस एक्स और डी वाई डी एक्स का होल स्क्वायर सही है माइनस वाई डी वाई डी एक्स इज इक्वल टू जीरो। समझ रहे हो आप ना, तो यही काम आपको करना है। एक और तरीका था कि वन अपॉन ए स्क्वायर की वैल्यू निकालो, वन अपॉन बी स्क्वायर की वैल्यू निकालो और जो है पुट कर दो, ये भी तरीका है, ऐसे भी तरीका, बहुत सारे तरीके हैं। मतलब अगर आपने क्लास टेंथ में अगर आपने अच्छे से है ना सब्स्टिट्यूशन मेथड एलिमिनेशन मेथड अगर आपने सॉल्व किया है तो फिर आपको दिक्कत नहीं हो, और दिक्कत है तो कोई बात नहीं, आप यहाँ से सीखो, यहाँ से तो सीखो, ठीक है ना, कहीं से तो आपको सीखना पड़ेगा ना। चलो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। देखो जी, ये आपका क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फैमिली ऑफ द हाइपरबोला, हाइपरबोला है ठीक है, तो हाइपरबोला का भी आपको इक्वेशन पता होना चाहिए। तो इंपॉर्टेंट है कि दो तरीके से हो सकता है, एक या तो एक्स एक्सिस अलॉन्ग है या वाई एक्सिस अलॉन्ग है। तो साफ साफ देखो ये कह रहा है कि हैविंग द फोकाई ऑन एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है, दैट मीन्स ये आपकी वाई है, ये आपकी एक्स है, ये सॉरी आपकी वाई डैश है, ये आपकी एक्स है और ये आपकी एक्स डैश है ना। तो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है, दैट मीन्स क्या आपका होता है हाइपरबोला। इस केस में आपका जो इक्वेशन होता है वो क्या हो जाता है, देखो इक्वेशन जो होगा हाइपरबोला का वो हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस, बस यहाँ पर क्या लगा देते हैं, माइनस लगा देते हैं, वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इज इक्वल टू वन। आप इसका जो है कर लोगे, इक्वेशन बना लोगे, मतलब डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म कर लोगे। चलो देखो कैसे किया जाए, सेम वही चीज मान लिया जाए इसको, फर्स्ट देखो सीखो ना, अब नहीं सीखोगे तो भाई कब सीखोगे, ठीक है। देखो ये हुआ, अच्छा क्या कर दिया जाए, डिफरेंशिएट, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, सो टू एक्स अपॉन ए स्क्वायर माइनस टू वाई डी वाई डी एक्स अपॉन बी स्क्वायर, बोलो होगा इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। आर यू में ये आपका हो गया इक्वेशन नंबर, ये ऑलरेडी सुटेबल ऑर्डर में है, इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर सेकेंड। फिर से क्या कर दिया, इसका डिफरेंशिएशन कर दिया जाए, अगेन डिफरेंशिएट, अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। देखो तो टू अपॉन ए स्क्वायर तो एज इट इज हो जाएगा इन टू एक्स का अगर हम करेंगे तो मिलेगा वन माइनस टू अपॉन बी स्क्वायर, इसको बाहर रख लेते हैं। फिर से देखो ये आपका वाई जो है फर्स्ट, ये आपका है सेकेंड, फर्स्ट इन टू सेकेंड, आर यू बात में, तो फर्स्ट इंटू सेकेंड का डिफरेंशिएशन, दैट मीन्स डी टू वाई डी एक्स टू प्लस सेकेंड यानी कि डी वाई डी एक्स इंटू फर्स्ट का डिफरेंशिएशन यानी कि वाई का डिफरेंशिएशन, तो डी वाई डी एक्स इज इक्वल टू जीरो। क्या करो, इस टू अपॉन ए स्क्वायर को ही छोड़ दो, ठीक, और माइनस इज इक्वल टू इसको इधर भेज देते हैं, टू अपॉन बी स्क्वायर और ये हो जाएगा आपके पास वाई इंटू डी वाई डी एक्स प्लस डी वाई डी एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो, ठीक। ये टू से टू कैंसिल, क्या बचा आपके पास, वन अपॉन ए स्क्वायर इज इक्वल टू वन अपॉन बी स्क्वायर और सेम वही चीज वाई इंटू डी वाई डी एक्स और प्लस डी वाई डी एक्स का होल स्क्वायर। अब देखो सेम वही काम, इक्वेशन सेकेंड को आपको ये है, इक्वेशन सेकेंड को आप थोड़ा सा और जो इसको मिटा देते हैं, आप ये बना लेना, ठीक है। इक्वेशन सेकेंड को देखो हम लोग और क्या कर सकते हैं, यहाँ से हमने जो है टू हम यहाँ से कॉमन लेकर इस तरफ भेज दे, तो देखो आपके पास क्या बचेगा, आपके पास बचेगा वन अपॉन ए स्क्वायर एक्स माइनस वन अपॉन बी स्क्वायर वाई इंटू डी वाई डी, बस हो गया काम खत्म, रख दिया जाए। इक्वेशन सेकेंड में वैल्यू जो है वो पुट कर दी जाए, ठीक है। तो मान लो ये आपका इक्वेशन नंबर थर्ड है, ठीक है। सो फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड एंड थर्ड रख दिया जाए वन अपॉन ए स्क्वायर, देखो वन अपॉन ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी रखनी है, वन अपॉन बी स्क्वायर और वन अपॉन बी स्क्वायर और एक्स पहले से है ना, भाई एक्स पहले से है ना, और ये आ गया आपके पास वाई इंटू डी वाई डी एक्स और प्लस
डी वाई डी एक्स का होल स्क्वायर, ठीक, सॉरी डी टू वाई डी एक्स टू है और डी टू वाई डी एक्स टू है, डी टू वाई डी एक्स टू है, डी टू वाई डी एक्स टू है, ठीक है, यहाँ पे मिस्टेक हो गया थोड़ा सा, प्लस डी वाई डी एक्स का होल स्क्वायर। और ये हो गया, अभी केवल किसकी वैल्यू आपने केवल यहाँ पे जो है वैल्यू रख दी, माइनस फिर क्या है, वन अपॉन बी स्क्वायर, माइनस वन अपॉन बी स्क्वायर वाई इंटू डी वाई डी एक्स, सेम वही कहानी, हमने फिर से वन अपॉन बी स्क्वायर यहाँ भी है, वन अपॉन बी स्क्वायर देखो इस पूरे टर्म में भी, ये पूरा एक टर्म है मिला करके यहाँ से यहाँ तक, और ये पूरा अलग टर्म है, तो वन अपॉन बी स्क्वायर वन अपॉन बी स्क्वायर दोनों में क्या हो गया, कॉमन हो गया, क्या बचेगा देखो, मल्टीप्लाई कर देते हैं अंदर, एक्स वाई डी वाई डी एक्स, सॉरी डी टू वाई डी एक्स टू प्लस एक्स डी वाई डी एक्स का होल स्क्वायर, ये क्या है, दो बार क्या लिखा है मैंने, याद दिमाग से करा गया है क्या, हाँ ठीक हो गया माइनस, ठीक है, डी वाई डी एक्स का होल स्क्वायर और माइनस यहां से भी बी कॉमन हो गया है, तो क्या बचा है, वाई इंटू डी वाई डी एक्स इज इक्वल टू जीरो, दिस इज द रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है ना, एक्स वाई डी टू वाई डी एक्स टू और प्लस एक्स डी वाई डी एक्स का होल स्क्वायर माइनस वाई डी वाई डी एक्स इज इक्वल टू जीरो, ये आपका आंसर हो जाएगा। अरे वैसे में बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की जल्दी से, देखो आप इस क्वेश्चन का मेरे को बस इक्वेशन बना करके दिखा दो, हम समझ जाएंगे कि आपने जो है, आपको ये पूरा का पूरा जो एक्सरसाइज है या जो कॉन्सेप्ट था ना, वो आपको समझ में आ गया, बस इतना आप मेरे को इक्वेशन बना करके दिखा दो तो हम समझ जाएंगे, बना दो जल्दी बना दो, चलो बना लिया बना लिया बना लिया, चलो देखो कहाँ गलती कर रहे हो या कहाँ गलती नहीं करो, ये सारी चीजें देखो, तो कह रहे हैं कि फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फैमिली ऑफ द सर्कल हैविंग सेंटर ऑन वाई एक्सिस, सेंटर कहां पर है सर, वाई एक्सिस पर है, अच्छा अब कह रहा है कि एंड रेडियस थ्री यूनिट, अच्छा देखो जो रेडियस कह रहा है ना, रेडियस क्या है, रेडियस आपकी थ्री यूनिट है, अच्छा रेडियस थ्री यूनिट है, मतलब अब ऐसा तो कुछ बोला नहीं है कि आपकी जो ओरिजिन से टच कर रहा है, और सेंटर कहां पर है, वाई एक्सिस पर है, ठीक, ये आपकी हो गई सेंटर, देखो इसका क्या होगा, वाई एक्सिस पर होगा, और यहां से यहां तक की जो रेडियस होगी, यहां से यहां तक की जो रेडियस होगी वो कितनी होगी, वो थ्री यूनिट होगी, दैट मीन्स ए दे दिया है, ठीक, अब देखो तो इक्वेशन होता क्या है, सर्कल का इक्वेशन होता क्या है, एज वी नो इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या होता है, एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर होता है, बिल्कुल होता है सर, अब देखो वेयर एच आपकी, देखो क्या है, क्या एच का मतलब क्या है कि देखो बेसिकली एच कॉमा के होती क्या है, कोऑर्डिनेट ऑफ सर्कल, ठीक है, सर्कल की कोऑर्डिनेट होती है, तो एक्स में हमने कितना चला है, कोई भी डिस्टेंस चला नहीं, दैट मीन्स एच इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो, के देखो कह रहा है क्या कि हमने के में पर्टिकुलर हमने कोई वैल्यू चली है, तो लेट कर लेते हैं कि के इज इक्वल टू मान लेते हैं क्या मान लिया जाए, ए ऑलरेडी देखो हम ए को मानते हैं, मान लो बी मान लेते हैं, अब यहाँ पे अलग मानो की बात समझ में आ गई ना, क्यों, क्योंकि अब यहाँ पे जो सर्कल है ना इसे टच नहीं है, अब यहाँ पर आपको के जो है वो अलग मानना पड़ेगा, ठीक है ना, ए आपकी यहाँ, ए तो ऑलरेडी वैसे भी गिवन है, ठीक है, तो आप ए भी मान सकते हो, लेकिन ध्यान रखना यहाँ पे आप अलग अलग मानोगे कि, और यहाँ पर ए अब अलग अलग होगा, क्लियर है, सो रिक्वायर्ड इक्वेशन हमारा क्या हो जाएगा, देखो एक्स का स्क्वायर यानी कि ये तो एस तो जीरो हो जाएगा, प्लस वाई माइनस के, के को हमने क्या मान लिया, बी का होल स्क्वायर, और इज इक्वल टू ए स्क्वायर, ए स्क्वायर कहने का मतलब देखो क्या, ए बाई हमारी क्या है, रेडियस है, रेडियस दैट इज थ्री का स्क्वायर, दैट मीन्स नाइन, ये बात समझ में आएगी आपको, इसको आप ओपन कर लो, इतना हो जाएगा देखो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस कितना जाएगा आपके पास, बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस माइनस का टू बी वाई, और है सर हमारा है इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक, चलो क्या कर दिया जाए, इसका डिफरेंशिएशन कर दिया जाए, कितनी बार, एक बार, देखो इसीलिए हम यहाँ पे आर्बिट्री कांस्टेंट को हटाते हैं, जैसे मान लो कुछ बच्चे ने बी माना होगा, किसी बच्चे ने ए माना होगा, किसी बच्चे ने अपने नाम का पहला लेटर ही मान लिया होगा,
किसी और के नाम का पहला लेटर मान लिया होगा, समझ रहे हो? तो इसीलिए हम क्या मानते हैं यहाँ पर, इसीलिए हम यहाँ पे जब भी अपना जब डिफरेंशियल इक्वेशन लिखते हैं तो हम उसमें इस आर्बिट्री कांस्टेंट को हटाते हैं, क्योंकि आपके अकॉर्डिंग भी आएगा, किसी दूसरे बच्चे के अकॉर्डिंग जो है उसका नाम आएगा, उसका फेवरेट नाम आएगा, समझ रहे हो ना, नाम का फर्स्ट लेटर आएगा, तो इसलिए हटाते हैं। अच्छा ठीक है, तो यहाँ से हम इसका क्या करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर दिया जाए, तो 2x प्लस वाई का करेंगे तो 2y इंटू डी वाई डी एक्स प्लस बी स्क्वायर का करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, जीरो मिलेगा, जीरो रहने ही दो, माइनस 2by, 2by हमारा कॉमन हो जाएगा, और y का करेंगे तो क्या मिलेगा dy dx इज इक्वल टू 9 का करोगे तो क्या मिलेगा आपको, जीरो मिलेगा। ठीक है, इसको जो हम थोड़ा सा सुटेबल ऑर्डर में लिख लेते हैं, ऐसा करते हैं, देखो हमें ऐसे करना चाहिए, हमें ऐसे इस b की वैल्यू हटानी ना, यहाँ b है और कहीं b है नहीं, तो हमें इस b की वैल्यू हटानी है। अब आप समझो क्या कर दो, इसको इस तरफ ट्रांसफर कर दो, तो ये हो जाएगा 2x प्लस 2y dy dx और इज इक्वल टू 2b dy dx। देखो यहाँ से 2 कॉमन लोगे, ये ऑलरेडी यहाँ पर 2 है तो ये 2 पूरा का पूरा कॉमन, अरे वाला 2 आपस में कट जाएगा, क्या बचेगा आपके पास, x प्लस y dy dx इज इक्वल टू b dy dx, ये मान लो आपको आपके आपके पास मिला इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब आपको जो है यहाँ से b की वैल्यू हटानी है ना, b की वैल्यू हटानी है, अच्छा सर ठीक है, तो देखो b की वैल्यू अगर आपको हटानी है तो ऐसा करते हैं सर, ऐसा करते हैं, b है ना यहाँ पे आपके पास, और ओके ठीक है, देखो हम यहाँ से हेल्प लेते हैं, यहाँ से आपके पास 20, एक मिनट, यहाँ 20 स्क्वायर है, यहाँ पर 2b है आपके पास, यहाँ पर जो है एग्जैक्टली b होना चाहिए था, इस b की वैल्यू हमें हटानी है ना, एक मिनट रुक जाओ, गड़बड़ तो नहीं कर रहे हैं, ये आपका फर्स्ट इक्वेशन, मतलब इसमें रख देंगे वैल्यू उसको, ठीक है, वाई स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2by इज इक्वल टू 9, इतना सही है कुछ, और इसमें तो लफड़ा तो नहीं होने वाला है, देखो ओके, ये थोड़ा सा मतलब घुमाओ क्वेश्चन है, बट एक मिनट रुक जाओ, एक मिनट, देखो सुबह हो गई भाई, जाग जाओ, देखो ये कह रहा है वाई, एक मिनट, देखो ऐसा करते हैं, इसको हम इधर ही ले आते हैं ना, देखो बात समझो, बात बन गई, देखो हमने कहा सर एक्स प्लस वाई डी वाई डी एक्स, ठीक है, इन खत्म हो गई, ओके, माइनस बी डी वाई डी एक्स इज इक्वल टू जीरो। अब यहां से क्या करो ना, आप यहां से डी वाई डी एक्स कॉमन ले लो, एक्स प्लस, ध्यान रखना पड़ेगा, हाँ ठीक है ना, थोड़ा सा आपको जो है ना अपना सोचने वाली थोड़ी सी कैपेसिटी बढ़ानी पड़ेगी, डी वाई डी एक्स आपने कॉमन ले लिया, क्या बचा वाई माइनस बी इज इक्वल टू जीरो, इस डी वाई डी एक्स वाई माइनस बी को ही छोड़ दो, इस एक्स को इधर भेज दो, फिर वाई माइनस बी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस एक्स अपॉन डी वाई डी एक्स, बात समझो थोड़ी देर के लिए। अब ये सर आपने क्या निकाल दिया, वाई माइनस बी क्यों निकाल दिया, आगे बात समझे, हम इसे भी तो इक्वेशन फर्स्ट मान सकते हैं, या इसे मान सकते हैं, बात तो एक ही है ना, ये कह लो एक ही बात है ना, क्या करने वाले हैं हम, इस y माइनस बी की वैल्यू इसी वाली इक्वेशन फर्स्ट में पुट करने वाले हैं, ठीक है, सो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन इक्वेशन सेकेंड, इसको मान लेते हैं, ठीक है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी, वाई माइनस बी की जगह कितना रखेंगे, माइनस एक्स अपॉन डीवाई डी एक्स का होल स्क्वायर, माइनस एक्स अपॉन डी वाई डी एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू 9, होगा ये चीज, देखो एक्स स्क्वायर अपॉन डी वाई डी एक्स का होल स्क्वायर, बोलो होगा, इज इक्वल टू 9, इस डीवाई डी एक्स का होल स्क्वायर का इधर क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, तो डी वाई मतलब एक्स स्क्वायर और डी वाई डी एक्स का होल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर और पूरे के अकाउंट में क्या हो जाएगा भाई, डी वाई डी एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 9, इस डीवाई डी एक्स के होल स्क्वायर को इधर भेज दो, तो एक्स डी वाई डी एक्स का होल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 9
डी वाई डी एक्स का होल स्क्वायर, इसको इधर ले आओ अगली बार समझ में, तो देखो कितना हो जाएगा, यहाँ से आपके पास हो जाएगा एक्स डी वाई डी एक्स का होल स्क्वायर माइनस नाइन डी वाई डी एक्स का होल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो, दिस इज द रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। मैच करिए जाए आंसर, एक मिनट रुक जाओ। अच्छा ठीक है, एक्स माइनस नाइन यहाँ से कॉमन ले लिया है ना, एक्स माइनस नाइन यहाँ से आपने कॉमन, आप कॉमन ले लो तो आपका ये जो है बन जाएगा, ठीक है हो जाएगा। यहाँ से आप जो है सॉरी मतलब एक्स माइनस नाइन कॉमन नहीं होगा, यहाँ से आपका डी वाई डी एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा कॉमन, क्या बचेगा एक्स माइनस नाइन और प्लस ये आपका आ रहा आंसर। ठीक आगे बात समझ में, मजा आया। देखो बाकी के बचे आपके पास क्वेश्चन नंबर 11 और 12, मैं उनको नहीं करने वाला हूँ, और आपको जो है कमेंट करके बताना है कि सर एक क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन नंबर दिस होगा और क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन नंबर दिस होगा बिना चीटिंग किए, ठीक है। और अगर नहीं आएगा तो आप कमेंट करके बताओगे सर मैं नहीं कर पाया, बताना है ठीक है, और अगर कर लिया तो आपको कमेंट्स में आपका उसको आपको उसका आंसर भी बताना है। चलो पढ़ाई करते रहो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और अपना ख्याल रखो।